हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल विज्ञान गुरु जी। और आज हम लेके आए हैं मैथ्स की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी शॉर्टकट की, उसका लेक्चर नंबर 13 है, ठीक है, जो कि 5G ट्रिक्स के माध्यम से आप जैसा कि ये प्रश्न देख रहे होंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न मैक्सिमम पेपर में आता है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने 21 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उसका सही उत्तर से 63 अधिक आया, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। दो विधि हैं, एक हमारा पुराना विधि, ठीक है, और एक हम 5G ट्रिक्स का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले पुराने विधि से देख लेते हैं। मान लेते हैं संख्या x है, इसमें 12 से गुणा करने को कहा गया, यानी 12x, लेकिन गलती से उसने उसमें किससे गुणा कर दिया, 21 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो 21 से गुणा किया तो उत्तर कितना आया, उत्तर 12x वाला आना चाहिए था ना, लेकिन आया कितना, 63 अधिक, यानी कि नए वाले में से अगर हम 63 घटा दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो लीजिए, हमने घटा दिया, अब इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो 63 इधर भेजेंगे तो 63 धन के साथ हो जाएगा, तो हम धन चिन्ह लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। और 12 इधर आएगा 21 से घटने के लिए, तो 12 घटने के लिए आएगा तो कितना बचेगा, 9x, तो भाग देंगे तो कितना जाएगा, 9 × 7 = 63, ठीक है, आंसर हो गया 7। तो वो संख्या कौन सी थी, 7 थी, ऑप्शन संख्या ए जो है वो सही है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा 5G जो ट्रिक्स है वो ये तरीका है कि सबसे पहले देखिए, करना था 12 से गुणा, कर दिया 21 से गुणा, कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, ठीक है। उसी 9 को जितना अधिक आया उससे भाग दे दिए। याद रखिएगा, ये चाहे अधिक आए या चाहे कम आए, आपको सिर्फ सिंपली भाग देना है, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, आंसर आपको मिल जाएगा 7, ठीक है। देखा कितनी आसानी से, बस डिफरेंस लेना है, डिवाइड करना है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी पे। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने 30 से गुणा कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 400 कम आया, ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो करना था 50 से गुणा, कर दिया 30 से गुणा, अंतर कितने का आया, 20 का। अब इसी 20 से भाग दीजिए 400 में, आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। तो दूसरे का आंसर हो गया 20। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 75 से 95 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि जैसे ये 75 हुआ, 76 हुआ, 77 हुआ, ऐसे करते करते आपको क्या करना है, 97 तक के योग को बताना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करिए, फर्स्ट नंबर लीजिए, उसमें लास्ट नंबर को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए और टोटल नंबर से डिवाइड कर, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कितना है, 75, लास्ट नंबर कितना है, 97, इसमें 2 से डिवाइड करना है। अब देखिए, अब ये टोटल नंबर निकालने के लिए तरीका क्या है, टोटल नंबर निकालने का तरीका है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को आपस में घटाइए और जो उत्तर आए उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो घटाएंगे तो आएगा 22, 22 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 23, उसी 23 का यहाँ क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12, 2 और 7 × 9 = 16 = 17 / 2 गुणे में 23, काटेंगे तो कट जाएगा 2 × 8 = 16 / 2 × 6 = 12, 83 × 23, 83 × 23 का गुणा करेंगे तो देखिए 6 × 3 = 18 एक आया, फिर 8 × 3 = 24 और 6 × 2 = 12, 24 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 × 1 = 37, 3 बचा, याद रखिएगा, ठीक है। और 8 × 2 = 16, 3 = 19, यानी कि 1978 आपको आंसर मिल गया, जो कि है ऑप्शन संख्या डी में, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न मिले, किसी भी कोई भी ऐसा प्रश्न हो, अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मिलता है तो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर से, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। उसके पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर मान लीजिए पहली ही संख्या 3 होती, दूसरी संख्या 6 होती, तीसरी 9 होती, देखिए 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं,
जरा इन सबको जोड़िए, तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। ठीक है, 9 6 15 3 18, ठीक है 18 मिला। अब अगर इनका औसत निकालना होता तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते, कुल संख्या से डिवाइड करते, कितना आ जाता, 6 आता, और यही तो बीच की संख्या है। अब जरा दूसरे नंबर को लेते हैं, मान लीजिए 6 होता, 9 होता, 12 होता, ये भी 3 से कटने वाली क्रमागत संख्याएं हैं। तो देखिए इन सबको अगर जोड़ा जाए तो 12 9 21 6 27 27, अगर इनका औसत निकालना होता तो क्या करते, बटे 3 करते, काटते तो कौ बार में कट जाता, 9 बार में। तो 9 ही तो बीच वाली संख्या है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम इस प्रश्न को हल करने में। देखिए दिया है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 72, योग कितना है, 72 है। तो 3 ही संख्या है ना, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो संख्याओं का औसत निकल जाएगा। तो 3 से डिवाइड करिए, 3 दूना 6 3 चौके 12, आंसर आ गया 24। तो ये औसत आया ना, और औसत ही तो बीच वाली संख्या यहाँ हो रही थी, यानी कि ये निश्चित रूप से कौन सी संख्या है, बीच वाली संख्या है। पूछा है इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो इससे 3 ज़्यादा ही तो इससे बड़ी संख्या होगी, यानी कौन सी संख्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो ऑप्शन संख्या बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली करना क्या था, हमें इसको 3 से डिवाइड करना था। क्यों डिवाइड करना था, क्योंकि औसत निकल जाता, और औसत ही क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। बस इसमें 3 जोड़ के अगली संख्या हमें प्राप्त कर लेनी थी। तो देखा 5G ट्रिक है। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखा जाता है कि ऐसे RRB हो, UPPCL हो, या फिर लेखपाल हो, अन्य वेरियस एग्जाम में ऐसे प्रश्न काफ़ी देखे गए हैं, और ये CGL का भी फेवरेट है। ठीक है, तो जैसे प्रश्न को देखिए, कहा है कि 1 से 50 तक की संख्याएं अगर लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी कि 1 से लेकर अगर 50 तक संख्या हम लिखते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए, तो कुल कितने अंकों की आवश्यकता है, यानी अंकों को काउंट करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 से लेके 1 2 ऐसे करते करते अगर 9 तक लिखते हैं तो सिंपली 9 अंक का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 10 से लेके कितने तक होते हैं, 50 तक होते हैं। ठीक है, 10 से लेके 50 तक। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये एक एक अंक के थे और कुल 9 थे, इसलिए 9 अंक लगे हैं, लेकिन यहाँ 2-2 अंक के हो गए ना। ये देखिए, ये 10 भी तो 2 अंक का है, 50 भी तो 2 अंक का है, यानी 2-2 अंक का है। तो कुल कितनी संख्या हो गई, और कुल कितनी संख्या निकालने के लिए हमने तरीका बता रखा है कि जब कुल संख्या निकालनी हो तो सबसे बड़ा वाला संख्या लीजिए, उसमें से छोटा वाला संख्या घटाइए, कितना आ गया 40, इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 41, यानी कि 41 कुल संख्याएं हैं। अब ये कितने अंकों की हैं, 2-2 अंकों की हैं, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 41 दूना 82, यानी कि 10 से लेके 50 तक जो हम संख्याएं लिखेंगे उसमें 82 अंकों की ज़रूरत होगी, और 82 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप चाहें तो 200 तक का निकाल सकते हैं, आपको फिर इसके बाद तीन अंकों वाला फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ईजिली आप इसको भी सॉल्व कर जाएंगे। तो ये था हमारे वीडियो का एंड। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।